हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड विद रैंडम चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एक आसानी से ऐड टू कार्ट बटन कैसे बना सकते हैं, जो ई कॉमर्स वेबसाइट में काफ़ी यूज़ होता है। जब हम कोई भी प्रोडक्ट बाई करते हैं ई कॉमर्स शो से, तो वहाँ पे एक लिखा होता है कि ऐड टू कार्ट ऐसा कुछ करके बटन होता है, तो वो बटन हम कंप्लीट एनिमेशन के साथ बनाएंगे, आपको प्रीव्यू बताएंगे, आपको कोड बताएंगे, आपको सोर्स कोड कहाँ से लेना है पूरा बताएंगे। तो चलिए अपन सबसे पहले प्रीव्यू की ओर जाते हैं। तो ये आप शानदार प्रीव्यू देख रहे होंगे, यहाँ पे ऐड टू कार्ट बटन लिखा है और जब मैं इस पर होवर करता हूँ तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, बट एक कर्सर जो शो कर रहा है, देखो जो क्लिक वाला कर्सर होता है कि यहाँ पे क्लिक करने के लिए कर्सर यूज़ होता है ये। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप एक एनिमेशन देखना जो किस तरह से आता है कार्ट कैसे। तो आप ये देख सकते हो, एक कार्ट आया जो बॉक्स टोकरी वो जो शॉपिंग की कार्ट है एंड वो अपने चेकआउट की तरफ चली गई। तो ये काफ़ी सारे ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में यूज़ होता था, एक पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट है। ओके, तो ये इसमें ज़्यादा कुछ कोड भी नहीं है उतना, बट काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए है यहाँ पे इसमें एनिमेशन के लिए। ओके, तो अब चलते अपन अपने कोड की तरफ। तो कोड HTML CSS एंड JavaScript यूज़ किया, आपके सामने ये पूरा कोड है। और मैं आपको एक बार अपने 100 डे प्रोजेक्ट सीरीज़ के बारे में बता दूं कि हम लोग 100 डे प्रोजेक्ट सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम डेली 100 डे तक 100 प्रोजेक्ट अपलोड करेंगे। 6 ऑलरेडी अपलोड कर दिए, जिसमें काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट ई कॉमर्स, वेब स्टोर, क्वीज ऐप, हैमबर्गर मेन्यू, म्यूजिक प्लेयर आदि। ओके, तो ये 7वां डे है, तो ऐड टू कार्ट बटन ये प्रोजेक्ट। ओके, तो इसमें कुछ नहीं, एक बॉयलर प्लेट है एंड यहाँ पर मैंने CSS को लिंक किया हुआ। CSS लिंक कैसे करते हैं ये देख लो। ओके, फाइल का नाम कोई भी चलेगा एंड यहाँ पे मैंने JavaScript का लिंक कर रखा है स्क्रिप्ट SRC में। ओके, और तो ये है अपना इंपॉर्टेंट कोड, और उससे भी इंपॉर्टेंट है ये कार्ड वाला कोड। ओके, इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको SVG दिख रहा होगा। SVG किसके लिए यूज़ करते हैं, जब फ़ॉन्ट ऑसम और बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। ओके, तब आइकन बनाने के लिए काफ़ी सारी इन टाइप्स की चीज़ों का यूज़ किया जाता था। ओके, तो यहाँ पे लाइनें वाइनें जो भी बनाई थी वो SVG के थ्रू बनाई हुई है। ओके, और यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा पॉलीलाइन, तो अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये क्या है, ये तो तुझे बताना पड़ेगा, तू इससे नहीं चिप सकता, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो चलते हैं W3 स्कूल की वेबसाइट की ओर एंड समझाते हैं थोड़े इंट्रो के साथ। ओके, तो ये पॉलीलाइन SVG करके। ओके, SVG काफ़ी सारी चीज़ें होती है, बट अभी अपन देखते हैं पॉलीलाइन। तो पॉलीलाइन एलिमेंट इज़ यूज टू क्रिएट एनी शेप दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली स्ट्रेट लाइन दैट इज़ कनेक्टेड एट अ सर्वल पॉइंट। ओके, तो 1, 2, 3, 4 ये पॉइंट है ना, तो ये देख सकते होंगे 20, 20, 20, 40। ओके, तो ये समझ गए ना अब, द पॉलीलाइन एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट एनी शेप दैट। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं आपको बेटर समझाने के लिए, इंग्लिश टू हिंदी डाल देते हैं यहाँ पे। तो पॉलीलाइन तत्व का उपयोग किसी भी आकृति को बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें केवल सीधी रेखाएं होती है जो कई बिंदुओं पर जुड़ी होती है। बस हो गया, मतलब चीजें क्लियर करना सीखो बालक। तो अब चलते हैं अपन, पॉलीलाइन समझ गए ना, तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये बस समझ में आ गया क्या चीज़। ओके, देन अपन ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, ये पॉलीलाइन पॉइंट्स एंड ये है, तो मैं आपको थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करूँगा अगर मुझे कहीं मौका मिले कि मैं आपको बेटर एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, एंड ये है CSS कोड जिसमें 165 लाइन है, जिसमें आधी बकवास है। यहाँ पे वेरिएबल बनाए हुए, वेरिएबल इसलिए यूज़ किए होते हैं कि अगर जो कोड या तो प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं, या फिर ऐसा होता है कि कभी कभी लाइक अपन को अगर बैकग्राउंड कलर देखना, तो अपन वहाँ पे ये कलर डिफाइन करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कलर कहाँ पे, तो आप बस ये डिफाइन कर दो, ये डैश बैकग्राउंड, ये कलर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, एंड बात करते हैं अपन नीचे जाएंगे और, तो ये सारी चीज़ें हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि देखो आप बटन के लिए क्या क्या यूज़ किया हुआ है, समझ रहे हो। स्केल है ना, स्केल का मतलब क्या है ये इसमें देखना पड़ेगा। ओके, जो वेरिएबल बनाया हुआ है ना, तो उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की हुई है वेरिएबल के लिए, तो वही बात हो गई, ये स्केल ट्रांसफॉर्म स्केल वर। ओके, तो ये देख लो जो वेरिएबल बनाने का तरीका कितना शानदार यूज़ किया है इन्हें, देखो आप एक बार देख लो आप। ओके, ये देख लो विड्थ सब कुछ यूज़ किया हुआ है। अब हम चलेंगे थोड़ा नीचे की ओर जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे कार्ट आफ्टर SVG, ये देखो फील एड, मतलब देखो यहाँ पे CSS एडवांस कोड का यूज़ किया हुआ है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है की फ्रेम का, जो ट्रांसलेट, रोटेट, नॉन स्केल, जो बड़ा आएगा वे वो सारी चीज़ें CSS की, समझ रहे हो आप। और ये सीधा बैकग्राउंड कोड है, तो ये थोड़ा ईजी है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्या कोड कौन सा, लाइक जो कोड सेक्शन है ना, कौन सा कोड सेक्शन किसके लिए काम आ रहा है।
तो ये चीज़ें काफ़ी लेन जावास्क्रिप्ट का यूज़ इसलिए किया हुआ था। हम बटन का यूज़ करें, देखो वेन बटन, देखो क्वेरी सेलेक्टर बटन एड इवेंट, बटन डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक, ओके। तो लोडिंग, जो लोडिंग का देखो अब इसमें आपको देखना पड़ेगा क्या चीज़ें हैं। बटन देखो कार्ड वी फोर, ये सारी चीज़ें यूज़ की हुई है। देखो ये पोली लाइन एस लास्ट चाइल्ड, मतलब हर एक चीज़ को स्टाइल किया हुआ है एसवीजी कोड के थ्रू। देख लो लोडिंग, लोडिंग देन सेट टाइम आउट बटन डॉट लोडिंग, ये टाइम है, जो वो टाइम है ना, इस अगर टाइम को अगर मैं लाइक मैं कर दूँ 4:07, ओके। और मैं एक बार इसको सेव नहीं करूँगा, देखना आप इसे, इसको मैंने सेव नहीं किया तो ये इतना टाइम लिया। अपन इसको बेटर इफेक्ट देखने के लिए यहाँ पे 5 कर देते हैं मेरे हिसाब से। सेव किया, प्रोजेक्ट लोड हुआ, एक बार और देख लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया कंपेयर टू वो लास्ट वाला इनिशियल वाले में, ओके समझ रहा हूँ, ओके समझ रहा हूँ। तो देखो कोड रिमूव करके देखना, मैं हर प्रोजेक्ट मतलब हर प्रोजेक्ट के वीडियो में यही बोलता हूँ, कोड एड और रिमूव करके देखो, आपको लर्निंग का पता चल जाएगा, ओके। सो अब आपको सोर्स कोड कैसे लेना है, जब आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे तो लिंक होगा सोर्स कोड करके, तो वो है टेलीग्राम चैनल भी, आप मेरा ज्वाइन कर लेना एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कमेंट सब कुछ कर देना एंड डेली कोडिंग करो, ओके गाइस। डेली कोडिंग करने से आपका रूटीन सही रहेगा एंड अगर आपको कुछ भी चीज़ें लर्न करिए तो आप टॉपिक को टाइप कर दो, लाइक मैंने किया यहाँ पे पोली है SVG से, जो भी चीज़ें अगर देखो इसमें कोड नहीं आ रहा, देखो मैं बता दूँगी लाइक ये चीज़ अगर आपको दिखे लाइक ये चीज़ क्या है, कॉपी किया इसको मैंने, सर्च कर दो ये WCSS, बताते हैं क्या चीज़ थी ये, जो है ना ये मास्क, ये इसमें बता देगा पूरी चीज़ें, वेबकिट मास्क इमेज CSS टैग, तो ये बता देगा जो भी वो चीज़ें यूज़ होती है ना मास्क वाली, तो वो सारी चीज़ें बता देगा किसके लिए क्या यूज़ हो रहा है, ओके। ये जो वेबकिट किसके लिए यूज़ होती है सारी चीज़ें बता देगा, समझ गए ना आप। देखो और VS कोड में स्पेशल फीचर है यार, आप ये देखो द प्रो प्रॉपर्टीज नॉन स्टैंडर्ड अवॉइड यूजिंग इट, सेट्स द मास्क लेयर इमेज ऑफ एन एलिमेंट, देखो सेट्स द मास्क लेयर इमेज ऑन एलिमेंट, तो आप अगर सबलाइम कोड एडिटर या कोई और कोड एडिटर यूज़ कर दो तो वो यूज़ करना बंद कर दो और VS कोड यूज़ करना स्टार्ट करो, वहाँ पे होवर करते हो तो आपको बता देता है। देखो क्रोम, ओपेरा, सफारी, ये चारों के लिए ये चीज़ यूज़ की है ताकि सब में वो चीज़ें बनी रहे, ओके। तो होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, लाइक कर देना एंड काफ़ी वीडियो और बनाए हुए तो कंटिन्यू करना इन सीरीज़ को, सपोर्ट करना, तो थैंक यू गाइज, थैंक यू गाइज। I see the